भक्त वांग्मय के ठाणम आगम के तीसरे स्थान में कहा गया है, तो सल्लापन्नता तंजहा माया सल्ले नियान सल्ले मिथ्या दंशन सल्ले। तीन प्रकार के शल्य प्रज्ञप्त हैं, माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य। पैर में कांटा चुभ जाता है या कोई नुकीला लोह का टुकड़ा शरीर में घुस जाता है तो आदमी को कष्टानुभूति होती है। एक कांटा भी चुभ गया, लकड़ी का कांटा, तो चलने में कठिनाई हो जाती है, और वह कांटा निकल जाए, कंटकोद्धार हो जाए तो शारीरिक शांति मिलती है, शारीरिक वेदना कम या समाप्त हो सकती है। शरीर के कांटे शरीर को दुख देने वाले होते हैं, कुछ कांटे भावात्मक होते हैं, मानसिक भी होते हैं। वे कांटे मानसिक रूप में और भावात्मक रूप में हमारा अहित करने वाले, कष्ट देने वाले हो जाते हैं। माया एक शल्य है, जो आदमी माया करता है उसके भीतर कांटा पैदा हो जाता है, कांटा चला जाता है। एक आदमी किसी विषय में झूठ बोलता है माया के साथ, और बाद में उसे कई बार कितनी दफे उस बात को ढकने का प्रयास करना पड़ता है। अब उसके दिमाग में यह तनाव हो जाता है कि आगे मुझे क्या पूछा जाएगा, मुझे क्या जवाब देना होगा। तो यह एक कांटा होता है माया करना, आगे से आगे बात बढ़ती है और आदमी उस गर्त में मानो फंस जाता है। सच्चाई का मार्ग सीधा सपाट है, झूठ व माया का मार्ग बड़ा टेढ़ा मेढ़ा संकड़ीला पगडंडी वाला सा होता है। माया भयम, माया करने वाला आदमी भयभीत भी बन जाता है। सच्चाई से बात रखने वाले को भयभीत होने की उस संदर्भ में अपेक्षा नहीं पड़ती कि सही बात कही है तो मुझे क्या भय है, आगे भी सही जवाब देना है, कोई ढकने का प्रयास करने की अपेक्षा नहीं। तो माया से भय पैदा होता है और भय कांटे की तरह चुभने वाला होता है, इसलिए माया अपने आप में एक कांटा है, माया शल्य है। इसी प्रकार दूसरा शल्य है निदान। निदान एक आकांक्षा कि यह मैंने तपस्या साधना की है, इसका कोई फल मिले, मुझे यह भौतिक चीज मिल जाए, मैं राजा बन जाऊं अगले जन्म में, मैं देवता बन जाऊं, समृद्धि मिल जाए, यह कर दूं वह कर दूं, ऐसी आकांक्षा करना जो अध्यात्म से विहीन है, वह आकांक्षा भी अपने आप में शल्य है। और यह निदान तो आदमी की तपस्या और साधना को मानो बेचने वाला, उसके फल को कम करने वाला, प्रभाव को हीन करने वाला बन जाता है। तो निदान नहीं करना चाहिए।
भगवान महावीर के समय का प्रसंग आता है, मैं अपनी शैली में बताना चाहूँगा। भगवान महावीर के पास राजा श्रेणिक आया परिवार के साथ, तो साधु साध्वियों ने राजा रानी समूह को देखा, तो भगवान महावीर के सान्निध्य में साध्वियां भी थी, साधु भी थे। तो साधुओं ने मन में सोचा, विचार कर लिया कि हमें भी ऐसी रानी मिले, ऐसी रानी हमको भी मिले। साध्वियों ने सोचा कि हमें श्रेणिक जैसा पति, यानी अगले जन्म में राजा श्रेणिक या ऐसा पति मिल जाए, तो यह निदान हो गया। अर्थात इस साधना का फल हो तो हमें राजा श्रेणिक या ऐसा पति मिले। साध्वियों ने सोचा, संतों ने, कि ऐसी रानी हमको मिल जाए। यह निदान है वो तपस्या साधना को निस्तेज करने वाला, बेचने वाला। फिर भगवान महावीर ने संबोध दिया साधु साधियों को कि ऐसा निदान किया है वो नहीं करना चाहिए, उसकी आलोचना करो, शुद्ध हो जाओ वापिस। तो शुद्ध हो जाए तब तो ठीक है, वो निदान रह जाए तो तपस्या साधना मानो बिक जाती है। तो निदान है वह अध्यात्म की साधना में कांटा है, वो नहीं होना चाहिए, हो जाए तो निकल जाना चाहिए। तीसरा शल्य है मिथ्या दर्शन शल्य, मिथ्या दृष्टिकोण, जो जैसा नहीं है वैसा मान लेना, असत्य को सत्य मानना, असाधु को साधु मान लेना, अधर्म को धर्म मान लेना, इत्यादि स्वरूप जो मिथ्या दृष्टिकोण है वह मिथ्या दर्शन शल्य। यह मिथ्या दर्शन तो भयंकर कांटा है, आदमी को कितने जन्मों तक भ्रमण करा सकता है। तो कांटा और शल्य निकालने लायक होता है। एक घोड़ा था, छटपटा रहा था, तकलीफ पा रहा था। घोड़े के मालिक ने निर्णय किया, किसी चिकित्सक को दिखाऊं भाई, कहां क्या गड़बड़ है। एक पशु चिकित्सक के पास घोड़े को ले गया और चिकित्सक को बताया कि मेरा घोड़ा कुछ दिनों से तकलीफ पा रहा है, खाना भी नहीं लेता और कार्य भी नहीं करता, आप इसका इलाज कर दो। चिकित्सक ने अपनी चिकित्सा प्रणाली से जांच करना शुरू किया तो घोड़े के मालिक से पूछा कि पिछले कुछ दिनों में, महीनों में यह कहीं युद्ध में गया था क्या? युद्ध में तो गया था, यह राजकीय घोड़ा है, तो कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों पहले युद्ध हुआ था, तो यह युद्ध में इसको ले जाया गया था, उसके बाद से बीमार हो गया ये। तब चिकित्सक ने और गहराई से उसके शरीर का परीक्षण किया, तब पता चला कि कोई बाण का, लोहे का टुकड़ा उसके पेट में चला गया है। उस टुकड़े को फिर जैसे शल्य क्रिया करके निकाला गया, तब घोड़ा स्वस्थ हो गया। जैसे वह लोहे का बाण का अंश उसके शरीर में था तो घोड़ा छटपटा रहा था, तकलीफ पा रहा था, वह अंश निकला लोहे का, घोड़ा स्वस्थ हो गया। इसी प्रकार ये तीन शल्य, माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य, ये हमारी आत्मा में से निकल जाते हैं, नहीं रहते हैं, तो हमारी आत्मा भी स्वस्थ रहती है अपनी सीमा में। इसलिए शास्त्रकार ने एक सुंदर
हमें संदेश दिया है। ये तीन शल्य हैं, इन तीनों शल्यों से हमें बचने का, मुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। एक ओर जहां अध्यात्म की दृष्टि से इन शल्यों से बचने का महत्व है, वहीं व्यवहार में भी देखें ये तीनों काम वो नुकसान करने वाले होते हैं। आप भले गृहस्थ हैं, आप माया ज़्यादा करेंगे, धोखाधड़ी माया, तो कई बार वो माया का घड़ा भी फूटता है, पिछली बातें भी सामने आ जाती। आपने 50 काम खराब कर लिए, एक मौका ऐसा आएगा 50 आपकी बातें खुल जाएगी, सारा घोटाला सामने आ जाएगा, फिर कितना कष्ट होगा आपको, प्रतिष्ठा खराब होगी, आर्थिक नुकसान हो सकेगा, मानसिक नुकसान हो सकेगा, दुख पाना पड़ सकेगा। क्यों हुआ? कि माया का शल्य आपके भीतर था। तो व्यवहार में भी यह माया शल्य खराब होता है। जो मायावी है, माया मित्तानि नाशे, मायावी आदमी का मित्र कौन बनेगा? ये बेईमान है, कहीं धोखा देगा, उसको कौन मित्र बनाएगा? तो माया है, वो मित्र भी छोड़कर कहीं चले जाएंगे। माया मित्रों का नाश करने वाली, मित्रों को दूर करने वाली बन जाती है। माया भी का विश्वास भी कौन करेगा? अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, भी ईमानदार आदमी है, इसको धंधा सौंपो, जिम्मा सौंपो, अच्छा काम करेगा तो आपको अच्छा दायित्व मिल सकेगा। बेईमान को कौन दायित्व सौंपे? तो व्यावहारिक जीवन में भी माया से मुक्त रहने से कितना लाभ हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी धर्म संघ के अनुशासता थे, हमारे सरताज थे, संघ के मालिक थे, गुरु थे, और उनके सामने तो कितने प्रकार के प्रसंग आते थे। आदमी चाहे प्रशासता हो चाहे सामान्य हो, माया कोई भी करेगा उसका नुकसान हो सकता है। गुरुदेव तुलसी ने इतना लंबा काल अनुशासन प्रशासन के दायित्व में निभाया, बिताया, और जितना हमने देखा कि उनमें वात्सल्य भी था और अपनी गलती को स्वीकार भी की उन्होंने, छोटी मोटी बात। जब योगक्षेम वर्ष का प्रसंग था संभवतः, कि प्रवचन में पधारने में थोड़ी सी देर हो गई, व्यवस्था थी भी कि सबको टाइम पर पहुंचना है, देरी नहीं करना, तो एक बार गुरुदेव खुद देरी से पहुंचे, तो उन्होंने स्वीकार किया कि मैं देरी से पहुंचा तो मैं प्रायश्चित करूंगा, वे खड़े खड़े उन्होंने प्रायश्चित किया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं, अपनी गलती स्वीकार की कि मैं आज लेट हो गया तो मैं भी प्रायश्चित स्वीकार करता हूं। एक बार का प्रसंग है गुरुदेव तुलसी का, मैं छोटा मुनि था, बाल मुनि, दिनेश जी तो दीक्षा भी नहीं ली थी तब तक, इतनी पुरानी बात है यह। गुरुदेव तुलसी लाडनू में विराजमान थे, लाडनू में भी जहां सेवा केंद्र है वृद्ध साधु, उस मकान में विराज, वहां प्रवास हो रहा था। यह बात है विक्रम संवत 2032 की, तो मर्यादा महोत्सव का समय था, साधुओं की भी अच्छी संख्या थी, तो गुरुदेव तुलसी वो सेवा केंद्र का जो बराम वो छपरा बरामदा जो भी ऊपर है पहली मंजिल में, वहां विराजे थे। सर्दी का समय था, एक कोई साधु की गलती संभवतः गुरुदेव के ध्यान में आई। गुरुदेव ने उन संतों को साधुओं की सभा में बुलाया कि आपने यह गलती की, ऐसी प्रमाद, ऐसी त्रुटि आपने की। वे संत गुरुदेव तुलसी से भी दीक्षा पर्याय में बड़े थे, बड़े थे वो,
वे आए निकट और बड़े विनय भाव से बोले थे, भूल हो गई, मेरी भूल हो गई, भूल हो गई। तो गुरुदेव ने कड़ा उलाना थोड़ा दिया, कड़ा उलाना सा दिया, उन्होंने नम्रता रखी, एक बार की बात संपन्न हो गई। संभवतः ठीक अगले दिन की रात आई, फिर वो सभा जुड़ी साधुओं की। तब गुरुदेव तुलसी ने फरमाया, मैं अपनी शैली में अपनी स्मृति से बात बता रहा हूं कि कल मैंने उन संतों को कहा था, उन्होंने गलती की अथवा नहीं की वो वे जाने, गलती की या नहीं की वो जाने, पर मेरे पास कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है उनकी गलती का। गलती की नहीं की वो जाने, पर मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि मैं उनकी गलती को सिद्ध कर सकूं। तो मैंने बिना पुष्ट प्रमाण के उनको उलाहना दे दिया या कार्रवाई कर ली, अब इसका प्रायश्चित मैं करूंगा। मैं भूल न करूं तो गुरुदेव ने आगे कहा कि मैं एक एकासन का प्रायश्चित लेता हूं कि मैंने बिना प्रमाण के इनको कार्रवाई कर ली थी। तो यह एक तरह से सरलता की बात, मायानी सरलता भी, मैंने गलती की तो मैं इसका प्रायश्चित लेने को तैयार हूं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, सुना है कि बचपन में तो परम पूज्य कालूगुणी का बड़ा उनके प्रति वात्सल्य भाव था, और कारण यह कि बड़ा सरल साधु है, सरल है, अच्छा है, सरल है। तो सरलता के कारण से या निर्मलता के कारण से या दोनों के कारण से कहते हैं कालूगुणी बड़ा वात्सल्य देते उस साधु को, कृपा रखते जो सरल होता, आचार में ठीक होता। तो सरलता है यानी माया का अभाव है। तो हम लोग भी अपने जीवन में माया शल्य से दूर रहने का प्रयास करें, और जिन जीवन में व्यवहार में विचार में सरलता स्पष्टता रखने का प्रयास करें, और निदान तपस्या साधना करें, उसका भौतिक फल पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि तपस्या की तो मुझे यह फल मिले, मुझे पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, वो मिल जाए, देवगति मिल जाए, ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए। और मिथ्या दृष्टिकोण हमारा न रहे, हम यथार्थ दृष्टिकोण वाले बने, सम्यक्त्व संपन्न रहें, न कि मिथ्यात्व संपन्न बन जाएं, मिथ्या दृष्टिकोण वाले बन जाएं। देव गुरु धर्म के प्रति सही श्रद्धा, सही देव गुरु धर्म के प्रति हमारी पुष्ट श्रद्धा बनी रहनी चाहिए, ताकि मिथ्यात्व का शल्य हमारे भीतर में न रहे। तो शास्त्रकार ने तीन शल्य बताए हैं, माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य। इन तीनों शल्यों से हम मुक्त रहें, इन तीनों शल्यों की वेदना चुभन हमें न भोगनी पड़े, तो हमारी आत्मा स्वस्थ रह सकेगी, आत्मा ऊर्ध्वगामी रह सकेगी, और अध्यात्म के क्षेत्र में हम प्रयास करते हैं तो और ज्यादा गतिमान भी हो सकेंगे। थानंग आगम का यह जो संदेश हमें मिला है, वो अगर हम अपना आत्म विश्लेषण करने में अगर इसका उपयोग कर लें कि मेरे में माया तो ज्यादा नहीं है ना, मेरे में आकांक्षा तपस्या का फल पाने के रूप में तो नहीं है ना कि मुझे देवगति मिले, मुझे चक्रवर्ती का पद मिले, मुझे राजा का पद मिले, मुझे ऐसी संपदा मिले, ऐसी कोई आकांक्षा मेरे में नहीं है ना, कहीं हो न जाए, कभी मन में आ जाए, निदान हो जाए तो आलोचन प्रतिक्रमण करके मैं शुद्ध हो जाऊं, और मिथ्या दृष्टिकोण न रहे, ऐसा अगर आत्म हम विश्लेषण भी करें तो हम अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।